इंडियन न्यूज, खुलने की बात आपके साथ। बिजली विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ी एक 13 वर्षीय बच्ची, 11,000 वाट के झूलते तार से सटी और झुलसकर हो गई मौत। घटना मरंगा थाना क्षेत्र के मिल्की गांव की, जहां 5वीं की कक्षा में पढ़ने वाली रेहाना खातून खेत से घर लौट रही थी। इसी क्रम में सड़क से करीब 3 फीट की ऊंचाई पर लटकते इस हाई वोल्टेज तार से जा सटी और वहीं झुलसकर मौत हो गई। गाँव वाले इस हादसे के बाद बिजली विभाग की लापरवाही बता रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मामले में विद्युत विभाग को आवेदन दिया है, लेकिन कोई भी आकर इस जमीन से झूलते तार को नहीं समेटता है और न ही इस पर कोई कार्यवाही होती है। आज इसी लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली है। ना दिन को 11:30 बजे रिहाना खातून अपने खेत गई अपने सहेलियों के साथ में खेत देखने के लिए कि क्या खेत का क्या स्थिति है, पका धान की नहीं पका। वही अपने खेत देखने के क्रम में जो है कि 11,000 वोल्टेज का तार जो है कि ज़मीन से 2.5 से 3 फीट के दूरी पे और उसके चपेट में आ जाने से वो बच्ची का गला में उसका तार फंसा और फंसने के बाद उसी जगह स्पॉट पर ही उसका झुलस करके मौत हो गया। पता चला वो जो बच्ची गई थी साथ में तो वो दौड़ के आई, बगल में ही है, दौड़ कर आई, अपना परिजनों को जानकारी दिया, तब परिजन यहाँ से गए अपना बच्चे को लाए, उसके बाद थाना प्रभारी को इसका सूचना मिला। और जो है कि ये लापरवाही खास करके बिजली विभाग का इतना लापरवाही है, इसका शिकायत इससे पूर्व में भी 3 बार दिया गया है, विभाग इस पर कुछ कर ही नहीं रहा है। इतना सुस्ती बरती हुए है विभाग जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो खेती करता है उधर, खेत सब है, लोग जाते आते हैं और उस तरह तार नीचे होना, तो आप लोग शिकायत इसके बारे में 3 बार शिकायत हो चुका है। इससे पूर्व में भी एक ऋषि देव का जो है कि एप्लीकेशन दिया गया, एक ऋषि देव भी इसके चपेट में आ चुका था, उस मुद्दे पर भी उसको दिया गया था, तो SDO बोला गया अच्छा ठीक है इसके बारे में हम लोग जांच कर करके इसका जो है कि काम जल्द से जल्द इसका पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई काम नहीं हुआ। 3 बार एप्लीकेशन भी दिया गया ग्रामीण द्वारा और कुछ जनमिन लोग जो है प्रतिष्ठित लोग हैं जो कि समाज के, तो वो उसका भी शिकायत किया, लेकिन विभाग इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा और पूरा कान में तेल देकर के सोया हुआ है। बहुत दुखद की बात है कि एक छोटी सी मासूम कली बच्ची रेहाना खातून जो 6ठा क्लास की छात्रा हैं, जो पढ़ती थी और स्वभाव से बहुत अच्छी थी, और हम सब ग्रामीण, उनके परिजन, चचा भाई, हम लोग बहुत दुखद में डूबे हुए हैं कि वो बच्ची खेत घूमने के लिए गई देखने के लिए और सोची कि थोड़ा बहुत बकरी के लिए घास फूस कर ले, लेकिन ये बिजली विभाग की बहुत ही लापरवाही है कि उस जगह खेत खलिहान जहाँ पर है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ से तार और ज़मीन की दूरी 3 फीट की दूरी है और लगभग वहाँ दो जो पोल है लगभग 600-700 फीट अंतराल है और बीच में तार बिल्कुल लटका हुआ है, और उन पर कितना क्लेम किया गया, शिकायत की गई बिजली विभाग को, और इससे पहले भी पूर्व उसी स्थल पर 2 घटना घटा जिसमें अभी भी एक आदमी विकलांग हो गया, जो हमारे रिसीदे भाई हैं, जो हमारे घर के बगल ही उनका भी घर है, लेकिन आज तक उन पर कोई ये नहीं हुआ, निर्णय नहीं लिया गया, उस पर काम नहीं किया गया, उस तार को ऊंचा नहीं किया गया। जब उन रेहाना के साथ छोटी और बच्ची भी गई थी, उनकी जो सहेली थी जो साथ में पढ़ती थी, उन्होंने आके हम लोगों के घर में जानकारी दी कि रेहाना को करंट लग गया और वहीं वो मर गई। हम लोग दौड़ते हुए गए, उसके बाद रेहाना को लाए और प्रशासन को खबर दी गई, प्रशासन आए, हम ग्रामीणों के साथ जाकर उन्होंने मदद की और फिर उनका पोस्टमार्टम होके जो सहायता राशि थी वो BDO द्वारा थाना प्रभारी के सामने दिया गया हम लोगों को। बहुत ही दुखद बात है और हम लोग इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस बिजली विभाग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि और जो भी काम है इनको सही और दुरुस्त किया जाए। आज हम लोग बिजली को जो रोशन के लिए नहीं, आज जो है माँ की गोद छीनने के लिए, बाप का गोद छीनने के लिए लगता है कि ये बिजली विभाग बनाया गया है। इस तरह बहुत हमारे साथ घटना घट रही है। इससे पहले भी राइस मिल चौक में भी तार गिरने से वहाँ दुकान वगैरह जल गया, आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, सुनवाई नहीं करता है, मनमानी करते हैं बिजली विभाग। इसी तरह बिल वगैरह पर भी मनमानी होता है, हमारे ग्रामीण में भी आते हैं कलेक्शन करने के लिए, बहुत आदमी का जो बिल नहीं जलाते हैं तो उससे ज़्यादा बिल आ जाता है।
घर है और उसके बाद इतना नीचे से तार गया है, क्या परेशानी होती है? देखिए सर, जब परेशानी होती है ना, वर्षा जब पड़ता है तो पूरा तार जो है एकदम जोर से आवाज़ करता है, पूरा आवाज़ करता है, जिसके चलते डर लगा हुआ रहता है। और दूसरी बात है कि पूरा मकई का खेत में एकदम सटा, अगर कोई भी घुसेगा ना तो उसको करेंट मार ही देगा फाइनल, जिसका परिणाम है कि एक बच्ची जो है कि घास काट करके बोझा उठा रही थी उसमें उसको करेंट मार दिया गया, मर गई लड़की, 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची थी। कभी कोई नहीं देखने के लिए आया है, हम कनेक्शन बिजली का लिए, उसको देखने के लिए कोई नहीं आने वाला है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे बिजली के नाम पे। आए दिन कोई ना कोई बड़ा घटना होता है। हाँ, होता ही रहता है। देखिए सर, हम अभी नया नया यहाँ बसे हुए, मात्र 8 महीना हुआ होगा, 6 महीना हुआ होगा बसे हुए, बस्ती वाले कंप्लेन किया, जहाँ लड़की का दुर्घटना हुआ है वहाँ